सो हाय गाइस, आई एम आयुष एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गाइस वी एट गेमर्स। सो गाइस कैसे हो आप सब लोग? बस लोग बढ़िया होंगे एंड गाइस आगे ही बढ़िया है। सो गाइस गुड मॉर्निंग आप सभी भाइयों, कैसे हो भाई लोग बताना कमेंट बॉक्स में। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड गाइस देखो, अभी भी मेजर ऑडियंस नहीं मान रही है कि फ्री फायर बैन हो गया है, बैन होने वाला है। ठीक है, वैसे सही बात होता हूँ, एज ए फ्री फायर यूट्यूबर एंड प्लेयर यार मैं भी जल्दी विश्वास नहीं करूंगा कि फ्री फायर बैन हो गया है, क्योंकि अभी भी तो 100% कंफर्मेशन नहीं है कहीं से कि हो गया है। फ्री फायर वालों ने तो अभी तक एक हाँ भले ही आर्टिकल दिया, लेकिन उसमें भी कुछ ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कुछ ऐसे इन फ्यूचर। ठीक है, लेकिन अभी आपने अगर नहीं देखा तो मैं आपको आगे इस वीडियो में दिखाऊंगा कुछ जाने माने न्यूज़ की क्लिप जहाँ पे उन्होंने कंफर्म कर दिया है डीडी न्यूज़ आज तक, और मैं दिखाऊंगा चलो आगे आपको। ठीक है कि गवर्नमेंट ने सुरक्षा को देखते हुए ठीक है इन ऐप्स को बैन किया है। मतलब वो डाटा लीक वाली बात थी ना, चाइना को डाटा वाली, ऐसा कुछ सीन है। मैं आपको चलो दिखाता हूँ। उससे पहले गाइस देखो, भले ही सब कह रहे हैं, गवर्नमेंट कह रही है फ्री फायर बैन होने वाला है, हो गया है, लेकिन अगर आप सुबह सुबह आज गेम खोलोगे तो सबसे पहले आप देखोगे कि फ्री फायर ने टॉपअप इवेंट दिया है। मतलब अभी भी फ्री फायर वालों पे इतना इसका फर्क नहीं है, उनके इवेंट मस्त चल रहा है। ठीक है, दूसरा भुइया वाला इवेंट आया हुआ है, चलो वो तो सही है। मेन गाइस मैंने क्या देखा, ये तो चलो इवेंट दो तीन चार दिन पाँच वन वीक की बात है। ठीक है, जो अपना FFIC चल रहा है गाइस, वो छोटी मोटी बात नहीं है, एक दो दिन की बात नहीं, वो चलेगा एक से दो महीने तक चलेगा टूर्नामेंट। एंड उसकी अपडेट गेम में ये है कि 16 तारीख को उन्होंने, आप देख सकते हो साफ साफ दे दिया है कि 16 तारीख को लीग डे वन शुरू हो रहा है। लीग डे वन टू थ्री जितना भी चलेगा चलेगा गाइस, फिर उसके बाद आगे वाली स्टेज, फिर सेमीफाइनल फाइनल जो भी होगा बहुत टाइम लगेगा। मतलब समझ रहे हो कि अभी गरेना वाले अपने इवेंट्स और टूर्नामेंट्स पूरी तरह से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब ये देखा जाएगा अगर बैन होता है तो फ्री फायर मैक्स या सिंपल फ्री फायर कैसे खेलेंगे लोग, क्योंकि आपको पता है टूर्नामेंट ये लोग खेलते हैं तो आधे मैक्स पे खेलते हैं, आधे सिंपल फ्री फायर पे खेलते हैं। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। प्लस गाइस वन मोर थिंग, देखो यार अभी आपको पता है iOS में बहुत सारे ई-स्पोर्ट प्लेयर तो iOS में खेलते हैं। ठीक है, अभी तो ऐप स्टोर से फ्री फायर के साथ फ्री फायर मैक्स उड़ा दिया है, मतलब iOS वालों ने। अभी एंड्रॉयड के लिए है, तो उनका क्या होगा इन फ्यूचर अगर टूर्नामेंट कंटिन्यू रहते हैं तो, कुछ तो गरेना सोचेगी इसके लिए। तो भाई लोग ये थे मेरे विचार। देखिए गरेना बहुत ही अच्छे से अपने इवेंट्स को कंटिन्यू कर रही है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव थिंग है हमारे लिए, मतलब बहुत बढ़िया यार। ठीक है ना, समझ रहे हो ना। तो गाइस अभी मैं आपको कुछ न्यूज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है, जहाँ पे बिल्कुल कंफर्म कर दिया, अभी तक न्यूज़ वगैरह पे नहीं आया था। पहले आप इसको देखो। एंड हाँ गाइस, अगर आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर लेना, क्योंकि जो भी रिलेटेड न्यूज़ होगी ना मैं आपको दूंगा, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही लेना। ओके, तो ये देखो आप ये वाली क्लिप। खबरदार कर देते हैं, भारत सरकार ने देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाले 54 स्मार्टफोन ऐप्स को बैन कर दिया है। बैन किए गए ऐप्स में मशहूर गेम गरेना फ्री फायर भी शामिल है। इसमें ज्यादातर ऐप्स चाइनीज है, हालांकि ये गेम, इसका डेवलपर चीन से नहीं सिंगापुर से है। पबजी पर बैन लगने के बाद ये ऐप भारत की सबसे ज्यादा डाउनलोड की जाने वाली ऐप्स में से एक थी। सरकार ने जिन ऐप्स को बैन किया है उनमें ब्यूटी कैमरा, सेल्फी कैमरा, वीवा वीडियो एडिटर और ऐप लॉक शामिल है। ये सभी ऐप्स चीन और अन्य देशों में भारतीय यूजर्स का डेटा भेज रहे हैं। विदेशी सर्वर पर भारतीय यूजर्स का डेटा लीक हो रहा है, इसीलिए प्ले स्टोर और ऐप स्टोर को आदेश दिया गया। आपको बता दें कि 29 जून 2020 से अब तक 300 से ज्यादा चाइनीज ऐप्स पर रोक लग चुकी। अभी भाई लोग आपको ही पता है, आज तक अपने जो इंडिया का जाना माना न्यूज चैनल है, एंड इतनी फेक न्यूज नहीं हो सकती है अब। ठीक है, अभी चलो ये तो रही आज तक की बात, चलो आप आज तक पे भरोसा नहीं करते हो, ठीक है, एक बार के लिए मैं भी नहीं करूंगा। डीडी न्यूज पे आते हैं। सो भाई लोग आप यहाँ पे साफ साफ पढ़ सकते हो, सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर 54 चीन ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया। एंड आपको पता भी है इन ऐप्स में अपना गरेना फ्री फायर भी शामिल है। अभी भाई लोग डीडी न्यूज ने भी कंफर्म कर दिया उन 54 ऐप्स के बारे में जो डाटा की वजह से कुछ, ठीक है अभी चलो आपको कंफर्म हो गया होगा, लेकिन अभी भी नहीं हुआ तो मैं आपको एक और इंग्लिश चैनल की न्यूज दिखाता हूँ। एंड देखो इस वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम आ सकता है, क्योंकि ये किसी चैनल की क्लिप्स ली गई है, न्यूज़ चैनल वालों की, उनका भी यूट्यूब पर चैनल होता है, लेकिन कोई बात नहीं गाइस। ठीक है, मैं आपको न्यूज़ आगे ऐसे भी आगे देता रहूंगा, लेकिन आप इस वाली क्लिप को देखो। News just coming in, we are learning that the government of India has decided to ban about 54 Chinese apps, app stores, including Google's Play Store, to block these applications. Now, these apps essentially are transferring sensitive data to servers which are outside of India. Can you elaborate on that aspect? Nupur, there have been studies, there have been reports which clearly mention that through these apps, a lot of information is being transferred to the sources which can misutilize this information from India's data banks, databases, and this can further be a threat not only to India's security, but also... अभी भाई लोग गवर्नमेंट का तो ऐसा कहना है, जितने भी ये 54 एप्स बैन किए ना,
इसके जरिए जो यूजर का डाटा था ना वो चाइना तक पहुंच रहा था। ठीक है, तो अभी सिक्योरिटी वाली बात आ जाती है, और सिक्योरिटी के मामले में तो पता ही है गवर्नमेंट ने पिछली बार कितने ऐप बैन किए थे। ठीक है, एंड गवर्नमेंट की तरफ से तो अभी क्लियर है, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए ये सारे ऐप्स बैन किए गए हैं। अभी अपना फ्री फायर तरफ से कंफर्म होना है, एंड अभी तो अपनी फ्री फायर वाले मस्त तरीके से इवेंट चला रहे हैं, जो कि काफ़ी पॉजिटिव वाली बात है एंड मस्त तरीके वाली बात है। अभी आपको क्या करना है, आपको चैनल को गाइस लाइक करना है, एंड साथ में अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया कर दो। मैं लास्ट दो तीन वीडियो से नहीं बोला हूं, लेकिन आप कर दो, पता चलेगा आगे क्या होता है आपको भी मेरे को। मैं आपको जीरो से हीरो वाली जितनी भी न्यूज़ मिलेंगी ना सब दे दूंगा गाइस। ठीक है, अभी आप लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाना, मिलते हैं आपसे गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अभी FFIC आने वाला है अपना शायद लीग वाली स्टेज, देखते हैं क्या होता है गाइस। चलो गाइस, टिल देन गाइस, टाटा बाय, टेक केयर दोस्तों, खत्म।